Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is introductory lecture to the topic interpersonal skills and communication. ये जो JKPSI के syllabus में एक topic देके है interpersonal skills and communication. उसकी जो आज हम basic understanding देखेंगे, basic understanding करेंगे, and we will come to know what actually it means interpersonal communication skills. ठीक है? So let's begin. सबसे पहला point जो आप सब जानेंगे वो है what is interpersonal communication. ठीक है, देखो communication basically होता क्या है. communication का मतलब पहले ये बात है कि communication कब होता है. communication तब होगा जब कोई कहने वाला भी होगा और कोई सुनने वाला भी होगा. ठीक, अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है. इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक कहने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है एक कहने वाला होगा और बहुत सारे सुनने वाले होंगे. इजंट इट, है ना. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है. ठीक है, वो चीज़ें अगर चाहती हूँ मैं कुछ आपको बोलूँ तो वो जो मेरे दिमाग में वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचाना वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए. तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई बात बोल दी तो बस हो गया. नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने जब वो कहा, आपने सुना और सुन के आपने अंडरस्टैंड किया. अब अगर मैं क्या करूँ, मैं बात बोलूँगी, मैं संस्कृत में बात बोलूँगी. ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई बात बोलूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आती होगी. अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो क्या वो कम्युनिकेशन सही होगा, क्या वो कम्युनिकेशन होगा? नहीं, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो आप वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई जो बात रिसीव, जब सेंडर बोलेगा, बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला सुनेगा, उसके कानों तक पहुंचेगी और उसका जो दिमाग है उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंटरपर्सनल. देखो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है इंटर हो गया बिटवीन द टू. ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स इंटर. ठीक है, दूसरा होता है इंट्रा हो गया विद इन. ठीक है, इंट्रा और इंटर. इंट्रा पर्सनल अगर हम देखेंगे, इंट्रा पर्सनल का मैं आपको बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में समझा रही हूँ. ठीक है, इंट्रा पर्सनल, इंट्रा हो गया विद इन, तो दैट मीन्स इंट्रा पर्सनल अगर होता तो वो हो गई जब इंसान खुद के साथ बात करता है. व्हेन वी टॉक टू आवर सेल्फ, जब हम खुद के साथ बात करते हैं, खुद को कोई चीज़ बोलते हैं, खुद को समझाते हैं, तो हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे हम इंट्रानेट बोलते हैं. इंट्रानेट कहाँ पे होता है? इंटरनेट होता है जब बाकी सारे लोग एक इंटरनेट सारे लोग यूज़ करते हैं. इंट्रानेट होता है एक नेटवर्क जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, अपने अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना एक प्राइवेट इंटरनेट होता है, प्राइवेट नेट होता है, उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो होता है नेटवर्क. अब जो नेटवर्क आउटसाइड होगा उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, राइट? तो इसी तरह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अगर होता तो वो हो गया जब हम खुद के साथ बात करते हैं, एक पर्सन अपने अंदर बात करता है. ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है यहां पे है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो ये हो गया दो पर्सन्स के बीच में या डिफरेंट पर्सन्स के बीच में जब बातचीत होती है, जब एक पर्सन बोलता है, बाकी सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को, उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. और एक और चीज़ आपको जाननी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बात बोलेगा और आप सुनोगे और आप समझोगे तो वो कम्युनिकेशन हो गया. ये भी हो सकता है आपको कोई हाथ से दिखाएगा ऐसे हाय, तो आपने वो देखा और आपने समझा, उसने कुछ बोला नहीं लेकिन आपने फिर भी समझा. क्यों? वो हो गया एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना. तो कम्युनिकेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने हैं. तो चले लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं.
तो व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बीइंग एक्सचेंज्ड वर्बली और नॉन वर्बली बिटवीन टू और मोर पीपल. फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व्स हियरिंग, सीइंग, फीलिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या बोल के, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, या फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं. अब ये हम शेयर कैसे करते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं? या तो हम वर्बली या नॉन वर्बली, या तो हम बोलेंगे या तो हम किसी को वर्बली मुँह से बोलेंगे, ठीक है, मुझे आपकी याद आ रही है, या आप किसी को SMS करोगे, आई एम मिसिंग यू, ठीक है, या जो है इंटरनेट मैसेज करोगे, या किसी को लेटर लिखते थे पहले, है ना. बहुत सारे तरीके हैं फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के. तो जब ये बिटवीन द टू पर्सन, टू पीपल या टू और मोर पीपल होता है, इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है. जब आप घर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जब आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में मीटिंग में बात होती है, उसको भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. जब हम बॉस आपको बुलाता है, बॉस के सामने बॉस आपको कुछ पूछता है एंड यू टॉक टू हिम, दैट इज ऑल्सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो अगर फेस टू फेस होगा, अगर आप आमने सामने बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हियरिंग आपको सुननी है चीज़ें, सीइंग आप देख भी सकते हैं, आप बॉस को बोले आपको क्या लगता है ये सही है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के बोलेगा, नॉड करेगा सर को, नहीं ये सही नहीं है, हाँ ये सही है. तो विदाउट टेलिंग एनीथिंग आप, उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दिखाया जिससे आपको पता चला देख के ही, या फीलिंग द बॉडी लैंग्वेज, आपने बॉडी लैंग्वेज देख के लगा कि इसका एटीट्यूड सही नहीं है मेरे साथ, या फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर्स, वो आपको ऐसे उंगली से दिखाएगा नहीं, ठीक है. तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तो या आप लफ्ज़ बोल के, या लेटर लिख के, या हाथ हिला के आप कुछ बोलोगे, या मुंह से कुछ फेशियल एक्सप्रेशन करके, या बॉडी लैंग्वेज से आप भी, आपको लगता है, आप कभी बोलते हैं हाँ मैंने तो उसको देखा बट उसने कुछ अजीब तरीके से बिहेव किया. वो तो वैसे तो आपने, उसने आपको कुछ बोला नहीं होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आता है कि उसने मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया. तो ये सब चीज़ें बेसिकली समझना, क्यों आपको क्यों ये सब पढ़ना होता है, बेसिकली जब आप किसी के इंटरव्यू देने जाते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कल को आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाओगे JKPSI में, आप फिर वहाँ पे काम करोगे, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी बात मैटर नहीं करेगी, वहाँ पे आपका जब लोग आपके सामने होगी, आपको क्राउड के साथ डील करनी होगी, आप कैसे अपराइट पोजिशन में बैठेंगे, आप कैसे कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात करेंगे, और गम के मौके पे आप हंसेंगे नहीं, और हंसने के मौके पे आप मूड ख़राब नहीं रहोगे, सो दैट मतलब लोगों को लगे कि एक कनेक्शन है ऑफिसर का हमारे साथ. तो वो कम्युनिकेशन आपका कितना इफ़ेक्टिव होगा, उतना आपका काम भी सराहा जाएगा, ठीक है. तो ये था यहाँ तक. इसके बाद आगे देखते हैं. इन अदर टर्म्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मीनिंग, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस बिटवीन टू आर मोर पीपल वाया वर्बल नॉन वर्बल मीन्स. ऑल दो या देखो, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम ओपिनियन भी कभी शेयर करते हैं, कभी हम आर्टिकल लिखते हैं अखबार में, अपना ओपिनियन देते हैं, या कभी कोई राय मांगी जाती है आपको घर में, या मीटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई राय मांगी जाती है, ठीक है. तो कभी बोला जाता है सबको आप लिख के दो आपके सजेशंस, है ना, कभी बोलना होता है, कभी लिखना होता है. अब आजकल के वर्ल्ड में क्या है, टुडे इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई हमारी लाइफ में, तो उससे क्या होता है, उससे ये हो गया जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसकी डेफिनेशन एक्सपेंड हो गई. क्यों? क्योंकि अब मीडिया भी आ गया. अब मुझे बताए कितने इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, कितने इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं आजकल टेलीविजन पे, कितने इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, डिबेट्स चलते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे. तो मीडिया भी अब इसमें आ गया, ये भी एक ज़रिया है एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडियाज़. इवन आप किसी को कॉल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मैसेजिंग कर सकते हैं. पहले ज़माने में ये नहीं था. अब आपके पास बहुत सारे ज़रिए आए जिस वजह से आप अपनी बात को आगे फैला पहुंचा सकते हो, ठीक है. यहाँ तक समझ आया? ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे. तो इससे पहले मैंने आपको बोला कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको समझाया, ये इंटर होता है बिटवीन द
पीपल ग्रुप्स या अदर एंटाइटीज बिटवीन, जैसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के आपस में होगा वो हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल, बहुत सारी कंट्रीज के आपस में कोई चीज़ होगा वो हो गया इंटर, जो है इंटर, वो ग्लोबल लेवल पे होता है इंटरनेशनल, बहुत सारे कंट्रीज मतलब बहुत सारे नेशंस के बिटवीन हो गया इंटरनेशनल, ठीक है। तो अब अगर इंट्रा होता है वो हो गया विद इन अ पर्सन, विद इन अ ग्रुप, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन अ पर्सन, विद इन माई इंट्रा पर्सनल, एक पर्सन के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको कुछ चीज़ें होती है जो कि प्राइवेट वो रखता है अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस टाइम हम वर्ड इंट्रा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स हाउ वी कम्युनिकेट विद आवर सेल्व्स इंक्लूडिंग एन एक्यूरेट आइडिया फॉर परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है याद रख लेना, उसमें परसेप्शन आता है, अपने अपने आप को जब कोई परसेप्शन हम देते हैं, परसेप्शन हो गया हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ये सही बात है, वो आदमी सही है तो उसके लिए, या ये पार्टी पोलिटिकल पार्टी सही है तो एक परसेप्शन हमने दिया, या एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है वो मेरे लिए कुछ लाए, मुझे लगता है मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे लगता है मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये आप दूसरे को नहीं बोल रहे हो ना, ये आप खुद के साथ बात कर रहे हो, इट इज इंट्रापर्सनल, जो आप खुद के साथ बात कर रहे हो, खुद के दिमाग में ये चीजें आपको चल रही है, दीज आर इंट्रापर्सनल थिंग्स, है ना। या कॉन्सेप्ट्स, आपको किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट कोई होता है, जरूरी नहीं है कि आपके दूसरे भाई को भी ये कॉन्सेप्ट होगा, दूसरी बहन को भी, क्योंकि ये आपके माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। तो इंट्रापर्सनल भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे किसी चीज़ के रिलेटेड परसेप्शन होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, कॉन्सेप्ट होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो आपकी माइंड में चलती रहती है, जो आपके अंदर होती है, ठीक है, शाबाश। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब हमने यहाँ तक जाना कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, अब हम देखेंगे इसकी कितनी टाइप्स है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इसकी फोर डिस्टिंक्ट टाइप्स है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की। अब क्या क्या वो फोर टाइप्स है अलग अलग, सबसे पहले है वर्बल, ठीक है, दूसरा टाइप है लिसनिंग, ठीक है, और तीसरा टाइप है द रिटन वर्ड, ओके, एंड द फोर्थ वन इज नॉन वर्बल, राइट। सो वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। सो वर्बल, इन अदर वर्ड्स स्पीकिंग, वर्बल हो गया जब आप कोई चीज़ बोलते हो, ठीक है। दिस टर्म कवर्स द वर्ड्स यू यूज, हाउ परसुएसली, जब आप परसुएशन से करते हैं यू स्पीक, द लैंग्वेज यू यूज, विच वर्ड्स यू एम्फसाइज, एंड इवन द यूज ऑफ एफर्मेटिव साउंड्स, शॉर्ट फ्रेज लाइक यप, ओह, वो भी आता है इसमें। तो वर्बल में क्या आता है, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं, जिन वर्ड्स पे आप जोर करते हैं, जो आप रिपीटेडली बोलेंगे, इवन इसमें सिर्फ ना सिर्फ बातें आएंगी, इसमें कुछ साउंड्स भी आते हैं, जैसे आप बोलते हैं यो, या उससे भी दिखता है ना आप क्या कहना चाहते हैं, या बोलोगे हुर्रे, या वेल डन, या ये यो, है ना, ये साउंड्स भी है जो कि वर्बल में आएगी। एक तो आएगा हाउ आर यू, ये भी वर्बल है, आप उसने आपको पूछा कि आप कैसे हो, आप बोलोगे आई एम प्रिटी गुड, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, तो ये वर्ड्स हैं, या आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, तो ये वर्बल है, ये वर्ड्स है, ये बातें हैं। लेकिन मैं बोल सकती हूँ आहा, मतलब इससे क्या पता चला आपको, मैं खुश हूँ, मैंने आपको एक अच्छा हैप्पी वाला साउंड दिया, तो ये भी वर्बल में आएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शंस आ सकते हैं कि विच वन इज़ वर्बल, ठीक। इसके बाद दूसरा जो टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो आप एक दूसरे के साथ बात करके कम्युनिकेट करते हैं, ये तो हर एक को अंडरस्टूड है। दूसरा है लिसनिंग, यू कैन मेक अ गुड केस फॉर लिसनिंग एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इट कवर्स द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली वेदर यू आर यूजिंग यूर ईयर्स टू लिसन इन पर्सन और सम अदर मीन्स से ओवर द इंटरनेट। तो लिसनिंग ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल टेक्निक्स लाइक रिफ्लेक्शन, क्लेरिफिकेशन, द बेस्ट लिसनर्स आर पीपल हु कैन फोकस देयर अटेंशन ऑन द स्पीकर टू मेक लेटर फील दैट दे आर सोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। लिसनिंग जो एक चीज़ होती है वो हो गया जब आप सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं ना चुप करके सुनते हैं, जब आप सुनते हैं तो जब बोलते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो, आपका अटेंशन पूरा फोकस किस पे होता है, उस इंसान पे जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, तो उससे क्या पता चलता है, उससे आप ऐसा एक इंप्रेशन देते हो बोलने वाले पे कि उसको आपने इंपॉर्टेंस दी,
ठीक है, देखो आप मीटिंग रूम में हैं, आप कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, वहाँ पे कोई बोल रहा है और आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू हिम, ठीक है, तो उससे क्या इंप्रेशन रहेगा आपका? तो डिसिप्लिन मैटर करता है ना, तो इससे ये इंप्रेशन जाएगा कि आपने उसको इंपॉर्टेंस दी, यू आर अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन में एक गुड लिसनर होना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन में एक अच्छा लिसनर होना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया हियरिंग और लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, बाहर से कोई बड़ी नॉइज़ हॉर्न हो गई बाहर से, ये आई हर्ड, आप बोलोगे आई हर्ड अ हॉर्न ऑफ सम व्हीकल, तो ये क्यों आपने हर्ड इस्तेमाल किया? क्योंकि वो खुद हुई, आप उसको सुनना नहीं चाहते थे, वो हुई और आपने सुना, तो आपने उसको नहीं बोला हॉर्न करने के लिए, उसने खुद किया और आपने सुना, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे किसी ने हॉर्न किया, आपने उसको बोला था आप यहाँ आके हॉर्न करना, तो आप उसको बोलोगे या आप बोलोगे आई लिसनर टू हिज हॉर्न या आई लिसनर द सॉन्ग, आई वॉज लिसनिंग टू हिम, इसका मतलब ये होता है आप अटेंशन देते हैं, यू आर गिविंग योर अटेंशन, द लिसन वर्ड आ गया, यू आर गिविंग द अटेंशन टू दैट पर्सन, टू दैट साउंड, इवन टू दैट नॉइज, यू आर गिविंग अटेंशन, यू आपने सुना क्योंकि आपने चाहा उसको सुनना, आपकी ही कहने पे आपने सुना, ठीक है। तो लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल ट्रेट इन गुड कम्युनिकेशन, राइट। सो मूविंग टू द थर्ड टाइप, द रिटन वर्ड, थैंक्स टू द इंटरनेट एज। हाँ, एक और पॉइंट, आप सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपके सामने कोई बात कर रहा है, आप फ़ोन कॉल भी सुनेंगे। अगर आप फ़ोन किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, वो बात बोल रहा है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, देन यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, दैट यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। सो अगर आप फ़ोन कॉल पर भी है तो अच्छी बात ये होती है, आप पहले दूसरे की बात सुने फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, जब वो ख़त्म करेगा तब आप अपनी बात बोले। या इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो भी लिसनिंग में आता है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है एक बोलता है बाकी सारे चुप करके सुनते हैं। उसके बाद रिटन वर्ड आता है, थैंक्स टू द इंटरनेट एज एंड सिचुएशंस रिक्वायरिंग आइसोलेशन पैंडेमिक गुड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैव बिकम एन एसेट। ऑब्वियसली जिसको राइटिंग बहुत अच्छी आती है आजकल के ज़माने में, उसका एक बहुत अच्छा वैल्यू है। आजकल इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं लोग, लेकिन वो लोग आपने देखा होगा शशि थरूर को कितने लोग ये करें, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त, जब वो लिखते हैं इवन जब वो बोलते भी हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब उसकी उनकी इंग्लिश जब उसकी उनकी ज़बरदस्त है तभी वो अच्छा लिख पाते हैं, अच्छी बुक्स लिख पाते हैं, अच्छी आर्टिकल्स अच्छे लिख पाते हैं ना, तो वो एक एसेट माना जाता है जिसकी राइटिंग अच्छी होती है। वेदर यू आर ऑन सोशल मीडिया, इन वर्क प्लेस, इवन टेक्स्टिंग ऑन योर फोन, यू मस्ट नो हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस इन राइटिंग। दिस टाइप इंक्लूड्स इमोजीज, ग्रामर, क्लैरिटी, टोन एंड इवन पंक्चुएशन। आफ्टर ऑल देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखो राइटिंग इतना नहीं है कि बस आपने उठाया इंग्लिश में लिखा दिस दिस एंड दैट, नो, आप भी इंग्लिश में लिखोगे दूसरा भी इंग्लिश में लिखेगा। अब फ़र्क क्या होगा दो में, एक का ग्रामर बहुत अच्छा होगा, कॉमा कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे पॉज लेना है वहाँ पे आप कॉमा डालोगे, जहाँ पे खुशी आएगी, आप सरप्राइज सिचुएशन आएगी, वहाँ आप मार्कअप एक्सक्लेमेशन डालोगे। लेकिन दूसरा बंदा होगा वो भी वही बातें लिखेगा, लेकिन वो मार्कअप एक्सक्लेमेशन नहीं डालेगा, वो कॉमा नहीं यूज़ करेगा, वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करेगा। इसका मतलब ये है उसकी ग्रामर वीक है, और जो ये सारी चीज़ें यूज़ करेगा वो दूर से दिखेगा, जब हम उसकी चीज़ पढ़ेंगे तो वो हम उस अंदाज से पढ़ेंगे कि हमें उसमें डिफरेंट ट्यून्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर किसी ने सीधे लिखा है विदाउट यूजिंग द एक्सक्लेमेटरी मार्क, विदाउट यूजिंग द क्वेश्चन मार्क, विदाउट यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट यूजिंग अ सिंपल कॉमा, या उसने गलत जगह पे फुल स्टॉप डाला, तो उसमें जो है वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिकल है। उसके बाद एक और टाइप है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल फाइनल टाइप है इसमें, जिसमें क्या आता है बॉडी लैंग्वेज। आपको यही याद रखना है, कभी क्वेश्चन आएगा नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस एंड गेस्चर्स, जेस्चर्स भी इसको हम बोलते हैं, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आप दूर से बोलते हैं ये तो बंदा बहुत तेज़, ये तो लगता है आर्मी पर्सन है, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज़ चलता है, बहुत एक्टिव है, तो या स्ट्रेट
बैठा है। तो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, या फेशियल एक्सप्रेशन देखिए वो बहुत मैटर करता है, या उसकी वॉइस वॉइस का जो टोन होगा, उसने बहुत मतलब रोरिंग वॉइस होती है किसी की, या गुस्से में आप देखो जब आप गुस्से में कोई बात करता है वो चिल्लाता है उस टाइम पे, है ना, तो टोन से ही पता चलता है, या जेस्चर से कोई ऐसे आंखें बंद करके स्माइल करेगा दैट मीन्स उसने आपके साथ अच्छे बिहेव किया, और कोई ऐसे करके करेगा ना ऐसे ही दिखाते तो सॉरी मैं कहना आपको दिखा नहीं सकती, तो आपको समझ आ रहा है आई होप। तो वो जेस्चर्स दिखा के भी आपको पता चलेगा कि आपने उसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। तो ये सारे किस में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, इंशाल्लाह मैं आपको MCQs भी इसमें प्रोवाइड करूंगी, और हम बहुत सारे मॉडल्स भी पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की, बहुत बैरियर्स, उसके टाइप्स, बहुत सारे इन डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगेन इट इज़ एसेंशियल दैट द लिसनर पिक्स अप एंड करेक्टली इंटरप्रेट्स द नॉन वर्बल क्यूज। अब ये जो है नॉन वर्बल क्यूज, देखो वर्ड्स में अगर हवारू लिख के होगा वो सबको पता चलेगा ये क्या है, या कोई बोलेगा बात सबने सुनी और सबको पता चलेगा, लेकिन नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को इंटरप्रेट करना समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक कोई ऐसे कोई जेस्चर देगा या कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा, दूसरा गलत मीनिंग भी निकाल सकता है ना, तो इसमें तभी बेहतर होता है रिटन फॉर्म में, उससे एक एविडेंस रहता है और क्लियरली लिख के होता है। लेकिन जो ये नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है, उसमें कोई एविडेंस नहीं रहता है, और जो नॉन वर्बल होता है ये मिस इंटरप्रिट भी किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है मैं यहाँ तक इसको करूँगी, मैं पहले देखूँगी कितना है अभी इंट्रोडक्टरी, मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगी क्योंकि मुझे जो है इसका लेट्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड द टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग दिस। सो एलिमेंट्स हम देखेंगे, देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट होता है। सबसे पहले कम्युनिकेटिंग पार्टीज, ठीक है, द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, एंड दूसरा द मैसेज इट्सेल्फ, एंड उसके बाद कभी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा एक्सट्रेनियस नॉइज, और चौथा फीडबैक, राइट, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, ठीक, और उसके बाद चैनल, एक आ रहा है, ठीक, ओके। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको, किनको, एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अभी याद होना चाहिए। पहला एलिमेंट है द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, ठीक है, देयर इज नो कम्युनिकेशन विदाउट अ सेंडर एंड अ रिसीवर। अब मुझे बता, अगर कहने वाला नहीं होगा तो लोग सुनेंगे क्या, अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो जो बोलेगा वो किसको बोल रहा है। तो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हम किनको बोलते हैं, बोलने वालों को, सुनने वालों को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, मैसेज सेंड करने वालों को, मैसेज रिसीव करने वालों को, इनको हम कम्युनिकेटिंग पार्टीज बोलते हैं। क्यों, जब मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, अब मैं बोलती कोई नहीं सुनता तो वो कम्युनिकेशन हो गई। मैंने आपको क्या बोला पहले, कम्युनिकेशन हम तब बोलते हैं जब आपने सुना और उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग पार्टीज पहला एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन में, तो सेंडर और रिसीवर, स्पीकर, लिसनर, एंड जो ये इम्पॉर्टेंट होती है ये दो पार्टीज। हाउवर मेनी पीपल मिस्टेक असाइनिंग ओनली वन स्पीकर एंड वन लिसनर टू द कन्वर्सेशन, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू अज्यूम बोथ द रोल्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, अब मैं बोलूँगी दूसरे लोग पता नहीं सुनेंगे कब, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब मैंने बात बोली और उसी टाइम दूसरे ने बात सुनी। क्यों, या ज़्यादातर फेस टू फेस होता है, मैंने बात किसी को, मैंने उसको फेस टू फेस बुलाया, मैंने बात बोली, उसने सुनी और मुझे लगा कि मुझे ये भी पता चला ना उसने सुना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, फीडबैक साथ में मिलता है और मुझे सुनने वाले की रिएक्शन भी पता चलेगी, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये भी होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बोली उसका कोई टाइम लिमिट में ही वैल्यू होता है। अब मैं आपका एग्ज़ाम जो कि PSI का है, मैं अभी ये लेक्चर बना रही हूँ, अगर मैंने इसको अपलोड नहीं किया एग्ज़ाम से पहले, कोई फ़ायदा है इसका, क्या पूरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये मेहनत रंग लाएगी, तो ये तब रंग लाएगी, तब पूरा कम्युनिकेशन होगा, मेरे बोलने का तब फ़ायदा होगा जब मैं इसको ऑन टाइम आप सुनेंगे, है ना, एग्ज़ाम से पहले आप सुनेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम भी ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसमें, कम्युनिकेटिंग पार्टीज़, ओके। इसके बाद द मैसेज इट्सेल्फ, दूसरा एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जो इन्फॉर्मेशन
चाहे स्पीच में हो चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं वो मैसेज, तो वो क्या यहाँ पे है, ये जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ आपको, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैसेज है इस तरफ। मैं आपको कुछ लेक्चर समझा रही हूँ, कोई लेसन, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो ये टॉपिक जो है ये मैसेज है ना। तो मैसेज दूसरा एलिमेंट है इसमें, जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो बात खुद मैसेज है। उसके बाद एक्सट्रानियस नॉइज, नॉइज इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद, डिस्टॉर्ट्स और ओवरपावर्स द मैसेज। दिस एलिमेंट कंप्रेस एवरीथिंग फ्रॉम फिजिकली बेस्ड नॉइज, ट्रैफिक साउंड्स, स्क्रीमिंग बेबी एट द नेक्स्ट टेबल ओवर, टू मोर एब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्टी सच इज कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवरब्लोन कॉर्पोरेट जार्गन, शोइंग डिसइंटरेस्ट इन अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। देखो नॉइज, नॉइज में क्या था, नॉइज बेसिकली होता है वो चीज़ जो आपके कम्युनिकेशन को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब ये वो क्या करेगा, इसको इंटरफेयर करेगा। मतलब अगर मैं चाहती हूँ मेरी बात आप तक क्लियरली पहुँच जाए, अगर बाहर से अभी कोई गाड़ी चली, उसने बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाए, क्या आप लेक्चर में पूरा सुन पाओगे क्लियरली मेरी आवाज़? नहीं सुन पाओगे, लेकिन उतना क्लियरली नहीं सुन पाओगे। जो वो बाहर वाली साउंड है वो क्या कहलाएगी, नॉइज़ कहलाएगी। अगर मैं आपके साथ कहीं बैठ के बाहर रेस्टोरेंट में बात कर रही हूँ, दूसरे टेबल पर कोई बैठा है, उसके साथ छोटा बच्चा है, उसने बहुत रोना स्टार्ट किया, मैं आपको बात बोल रही हूँ, आप क्लियरली सुन तो पाओगे, लेकिन उसमें क्या ऐड हो जाएगा, उस बच्चे का नॉइज हो जाएगा, जो वो रो रहा होगा, तो उसको हम नॉइज बोलेंगे। जो ऐसा कोई एलिमेंट जो डिस्टॉर्ट करना चाहेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, कभी क्या होती है, हम टेलीविजन पे लगाते हैं कोई चीज़, कभी सिग्नल का इशू हो जाता है, तो वो पहले ज़माने में आपने देखा होगा उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ें भी होती, आवाज़ भी इधर उधर हो जाती थी, तो उन सब चीज़ों को हम नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ भी एक पार्ट होता है, नॉइज़ भी एक एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन में। या कभी क्या होता है, एक चीज़ जिसमें नॉइज़ जो डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब जो सही मैसेज नहीं पहुंचाएगा, वो एलिमेंट नॉइज़ होता है। कभी क्या होता है, कश्मीरी में ऐसे, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर मैं ऐसे भी बोलूँगी ना जो फॉर्मल नहीं होंगे, या यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से हम बात करते हैं, तो डिफरेंट, अगर साउथ इंडियन यहाँ आएगा, मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी, लेकिन उसको फिर भी डिफरेंट लगेगा, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो वो भी एक नॉइज़ ही समझो, क्योंकि उसको समझ नहीं आया, तो वो भी डिस्टॉर्टिंग हुआ ना वो वर्ड, तो इसलिए उसको भी हम नॉइज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि नॉइज़ में क्या क्या आ सकता है, नॉइज़ में तो ट्रैफिक साउंड भी आएगा, बेबी का स्क्रीमिंग भी आएगा, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है, ओवर ब्लोन कॉर्पोरेट जैगरन, ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हो, या शोइंग डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बोलने में, तो क्या वो सही से बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। या सुनने में कोई नहीं दिखाएगा इंटरेस्ट, वो सही से सुन भी नहीं पाएगा, इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से टेबल बजा रही हूँ, तो वो भी इनअप्रोप्रिएट ही है, वो तो भी नॉइज़ में आएगा ना, वो जो टेबल वाला साउंड होगा, है ना। शाबाश। उसके बाद है फीडबैक, ये भी एलिमेंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। ये जो फीडबैक होता है, दिस एलिमेंट ब्लर्स द लाइन विद द सेंडर एंड द रिसीवर आइडिया, बट इट इज़ डिस्टिंक्ट एनफ टू बी कंसिडर्ड सेपरेट। फीडबैक इज लिमिटेड टू इमीडिएट रिएक्शन टू अ सेंट मैसेज। फीडबैक कुड बी एनीथिंग फ्रॉम वर्बल आई एग्री, आई एम कन्फ्यूज्ड, व्हाट डू यू मीन, टू नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशंस, चेंजेस इन बॉडी लैंग्वेज, स्टैंस। देखो फीडबैक क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बोला हम क्यों ज़्यादातर बेहतर करते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें लेना होगा, हम इंटरनेट होते हुए भी हम एक जगह जमा होते हैं फिर बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आमने सामने क्या होता है, हमें फीडबैक मिलता है। वो मतलब ये कि जब मैं किसी के सामने अपनी बात रखती हूँ, मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके रवैये से पता चलता है कि इसने, एक तो मुझे पता चलता है कि जो मैं बात बोलना चाहती थी वो इसी ने सुनी, क्यों? अगर मैं मैसेज करती पता नहीं, उस पर कोई मुझे भरोसा नहीं है वो किसने देखी, या मैं फ़ोन करूँगी तो फ़ोन पर मुझे कुछ उतना उसका बॉडी लैंग्वेज भी नहीं दिखेगा, क्या पता मेरी वजह से वो हाँ हाँ कर रहा है ना। तो जब हम सामने बात करते हैं, हम देखते हैं कि बंदा फिजिकली अपीयर हुआ है, वो हमारे सामने है, उसने खुद सुनी बात और उसका रवैया ऐसा था, तो या क्या होता है, कभी हम जैसे कोई ईमेल भेजता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली उन्होंने मेल को रखा होगा, आपको वापस ऑटोमेटिकली मेल आता है कि वी रिसीव्ड योर लेटर, है ना। तो आपको क्या उससे तसली हुआ, आपके पास एक एविडेंस है, कल को बोलेंगे आपने ईमेल नहीं भेजा, लेकिन आप उनको दिखा सकते हैं, ये देखो आपकी इसमें से मुझे आया वी रिसीव्ड योर लेटर, तो आपने रिसीव किया है, तो आपके पास एविडेंस भी रहता है और उससे क्या होता है, आपको आप इत्मीनान से रहते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी, जब आप फॉर्म फिलअप कर
करते हैं, JKPSI का, JKPSC का, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं आपको उस तुरंत उसी टाइम मैसेज आती है, SMS भी आता है और ईमेल भी आता है, वो एज अ प्रूफ आपके पास रहता है। कल को आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी या कल को कोई भी नाम उसमें नहीं आएगा, आप जाके देखो, बोलोगे उनके मेरे तो फॉर्म भरा है ना, आपके पास प्रूफ है, आपके पास ईमेल है, आपके पास SMS है ना, तो वो होता है फीडबैक, राइट। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट भी एक एलिमेंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। हैव यू एवर हर्ड द फ्रेज रीड द रूम? दैट मीन्स द स्पीकर शुड बी पेइंग अटेंशन टू द जनरल मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द लिसनर्स एंड वेयर दे आर। कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स फिजिकल लोकेशन, द मूड, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द ऑडियंस एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आप किस लिहाज से बोले, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, आप किस बेसिस पे, बिहाव पे बोले। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगी आपको सुधर जाओ, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँगी सुधर जाओ, ये कोई पूरी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस, बट इट हैज़ सम कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डज दैट कॉन्टेक्स्ट इज़, वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? मैं अगर बोलूँगी सुधर जाओ, इसका मतलब आप क्या लोगे, ज़रा आप खुद सोचो, इसका मतलब आप ये लोगे कि हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि आप सारे एस्पिरेंट्स हो, तभी तो मेरा सुन रहे हो, बिकॉज इट्स एन अकेडमी। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको, इफ आई एम टॉकिंग एनीथिंग, बट इट इज़ एज पर सम कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ ऑन द बेस ऑफ सम कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ पर आपको कोई बोलूँगी सुधर जाओ, मैं आपकी कोई रिलेटिव नहीं हूँ तो मैं आपको बोलूँगी सुधर जाओ कि घर वालों के साथ अच्छे से बर्ताव करो, या मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँ सुधर जाओ कि ज़्यादा खाया मत करो या जल्दी उठो, क्योंकि वो तो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे सुधर जाओ आप लोगे किस किस की ओर, आप प्रिपरेशन की ओर लोगे, आप सुधर जाओ लोगे कि मैम बोल रही है टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो चुपचाप, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का, वो कॉन्टेक्स्ट भी एक एलिमेंट माना जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट में, हमने पढ़ा कम्युनिकेटिंग पार्टीज, मैसेज इटसेल्फ, एक्सट्रोनियस नॉइज, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद चैनल, चैनल होता है कि आप किस जरिए, आप किस माध्यम से, आप किस मीडियम से कर रहे हैं कम्युनिकेट। दिस एलिमेंट कवर्स मूविंग द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर एंड रेफर्स टू विजन एंड स्पीच। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ़ोन कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, कॉल करके कोई चीज़ बता रही हूँ, तो इस टाइम चैनल क्या है, फ़ोन लाइन है ना। अगर मैं इंटरनेट मैसेज कर रही हूँ तो वो चैनल है, वो मीडियम है, ठीक है। जब हम मैसेज मूव कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, या अगर मैं फेस टू फेस बोल रही हूँ तो मैं आप बोल रही हूँ और देख भी रही हूँ, आपने सुना, ठीक है, तो वो होती है चैनल। आप किस, या मैं पोस्ट कार्ड भेजूँगी, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके। तो व्हाट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके चार प्रिंसिपल्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, सो दैट आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहे। सबसे पहला प्रिंसिपल है इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज अनअवॉइडेबल। दूसरा है इट इज इरिवर्सिबल, क्या है, इट इज इरिवर्सिबल। तीसरा है इट इज कॉम्प्लिकेटेड, क्या है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। एंड फोर्थ वन इज इट इज कॉन्टेक्चुअल, अगेन कॉन्टेक्स्ट आया, ठीक, इट इज कॉन्टेक्चुअल, राइट। तो आई थिंक ये ज्यादा हुआ क्योंकि ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी, एंड सो देट कि मैं पहले फीडबैक भी देखूँगी आपको कितना समझ आया, एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, क्योंकि आगे हम इसके कम्युनिकेटिंग मॉडल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको MCQs कराऊँगी, यू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ और नॉट। सो आई विल स्टॉप हेयर, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अगर मैं अभी सारा पढ़ाऊँगी तो आपको थोड़ा सा बर्डन लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, ठीक है। ये लग रहा है ईजी क्योंकि हम बातचीत तो रोज़ करते हैं ना, ये ईजी लग रहा है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ऑप्शन सारे सेम लगेंगे। तो हाउ टू इवेलुएट द क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन, हाउ टू पिक द ऑड वन आउट, सो दैट यू नीड टू मास्टर। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।